हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं आज फिर से ट्रैक्टर फंस गया। गए थे बांसवाड़ी ब्रिक्स लेकर और मेन रोड के ऊपर ही दब गया। देख सकते हैं पूरा उसका नीचे इंजन भी लग गया है और बॉडी का भी देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। पूरा नीचे तक दब चुका है, देख सकते हैं पूरा चेसिस उसका लग चुका है मिट्टी में, इतना दबा है। गाइस सोचिए, मेन रोड का ये हालत है तो आउटसाइड में क्या होगा। ये बांसवाड़ी का रोड है जो एक साल पहले ही काम हुआ था रोड का, मिट्टी डालकर छोड़ दिए थे और इस बार तो बारिश में पूरा रोड का हालत ख़राब हो गया। इसमें चिप्स देने वाले थे वो लोग, नहीं दिए थे और खाली मिट्टी डाल के छोड़ दिए थे और रोड का हालत देखिए, ट्रैक्टर फंस गया और छोटा गाड़ी होने से क्या होगा हालत, आप लोग खुद देख सकते हैं क्या हाल हुआ है इस रोड का। तो गाइस देख सकते हैं ट्रैक्टर फंस गया है, पूरे टायर दब चुका है। तो गाइस अभी टायर के आगे से मिट्टी नहीं हटाने से अब उठने वाला नहीं है। अभी सुखराम मिट्टी को हटा रहा है क्योंकि नहीं हटाने से खींच नहीं पाएगा आगे की ओर, क्योंकि मिट्टी नरम है, इसलिए सुखराम अभी हटा दिया मिट्टी को और थोड़ा साफ कर रहा है सुखराम, क्योंकि नहीं साफ होने से मिट्टी पूरा अच्छे तरह से पकड़ नहीं पा रहा है टायर, क्योंकि पूरा गीला हुआ है मिट्टी। तो आप लोग देख सकते हैं क्या हाल हुआ है रोड का, कितना दबा है नीचे ट्रैक्टर, इतना दब गया। छोटा गाड़ी होने से तो पूरा नीचे लग जाता। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नीचे की तरफ जूम कर, आप लोग देख पाएंगे कितना दबा है। देख सकते हैं पूरा नीचे का इंजन भी नीचे लग चुका है, इतना दब गया है ट्रैक्टर। सोचिए क्या हालत होगा रोड का, ऐसा रोड आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। हम लोग का मनियार खाल का रोड ऐसा ही है, ये कभी ठीक होने वाला नहीं है। हर तरफ का रोड ठीक है, हम लोग का यही हालत। भी सिवाउट का भी ट्रैक्टर स्टार्ट देने वाला है, दे चुका है स्टार्ट, अब खींचने वाला है आगे की ओर, देखते हैं उठ पा रहा है कि नहीं, क्योंकि स्लिप भी कर रहा है। देख सकते हैं जगह पर टायर घूम रहा है, खींच नहीं पा रहा है, देख सकते हैं कितना स्लिप कर रहा है। खाली ट्रैक्टर उठ नहीं पा रहा है, रोड का ये हालत। उठ चुका गाइस, बहुत दिक्कत से उठा, फंसा हुआ था, देख सकते हैं कितना दबा था और बॉडी का हालत देख सकते हैं क्या हुआ है, इतना दबा था। सोचिए मेन रोड का ये हालत है। अभी ट्रॉली को खींचना पड़ रहा है क्योंकि उसको अभी ट्रैक्टर फिर से पीछे लाकर उसको लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको भी खींचना है। तो आप लोग देख सकते हैं शिवो का हालत भी देख सकते हैं क्या हुआ है। अभी सुमन उसे खींच रहा है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो गाइस अभी ट्रॉली को इधर धक्का देना पड़ेगा क्योंकि इंजन लगाने के लिए अभी सब मिलकर उसे ऊपर की ओर खींचने वाले हैं, क्योंकि नहीं तो इंजन लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देखते हैं उसे अभी खींचने के लिए, देखते हैं खींच पा रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत दबा हुआ है। फिर भी उठ जाएगा क्योंकि ट्रॉली इतना भारी नहीं है, ट्रैक्टर से ट्रैक्टर खींचेगा तो जरूर उठेगा, क्योंकि ट्रॉली भी अभी खाली है, ब्रिक्स भी नहीं है उसमें। और सीबू बम्बू से अभी ऊपर की ओर धक्का लगा रहा है ट्रॉली फिटिंग करने के लिए। और गाइस यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए धुआं भी करना पड़ा है, देख सकते हैं धुआं भी उड़ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे शिवू
बम्बू से ऊपर की ओर धक्का लगा के रखा है। अब तो निकल जाएगा। और सुखराम क्लिप लगा रहा है टोली का खींचने के लिए। तो टोली अभी थका हुआ एक्साइट में, इसलिए उसका खेल जो है नहीं लग पा रहा है। अब फिर से उसको उठाना पड़ेगा क्योंकि झुका हुआ एक साइड और खेल उसके चेत पर नहीं जा रहा है। देखते हैं अभी शिबू उसको पैर से दबाने वाला है, दबेगा कि नहीं। तो गाइस देख सकते हैं अभी शिबू उसको पैरों से दबा रहा है, फिर भी नहीं दब रहा है। और मैं ट्रैक्टर को धक्का लगा रहा हूँ क्योंकि पेल लग जाए, इसलिए देख सकते हैं सुमन भी पेल लगा के रखा है, इसमें धक्का लगा रहा है। और शिबू फिर से बम्बू लेकर आ गया उसको लगाने के लिए। एक बार में लग जाता क्योंकि एक साइड झुका हुआ है, इसलिए लगाना मुश्किल हो जा रहा है। इस बार सुखराम फिर किल्ली को लगा रहा है, देखते हैं इस बार क्या होने वाला है। शिबू बम्बू से अभी भी ऊपर की ओर धक्का लगा कर रखा हुआ है। तो हो गया, इस बार लगा जाने वाला है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर कोई नए ब्लॉग में। बाय दोस्तों। और गाइस ट्रैक्टर उठ चुका है।